जय श्री राधे मित्रों, जय माता दी। मित्रों, चंद्रवन्नी भक्तरस चैनल के माध्यम से मैं पंडित दीपक उपाध्याय देवभूमि उत्तराखंड से आपके अपने चैनल चंद्रवन्नी भक्तरस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आद्य शक्ति माँ भगवती से करवत प्रार्थना करता हूं कि माँ भगवती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपके जीवन के समस्त विघ्न बाधाओं का माता रानी हरण करें और आपका जीवन आनंदमय। तो आज का जो हमारा कार्यक्रम होगा वह होगा रक्षाबंधन के पर्व के बारे में। तो आने वाला जो रक्षाबंधन का पर्व है, भाई बहनों के प्रतीक प्रेम का जो प्रतीक पर्व है, उसके बारे में आज के कार्यक्रम के माध्यम से बात करेंगे। क्योंकि हर व्यक्ति जो है संशय में फंसा हुआ है कि 30 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाए कि 31 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाए। तो आज का कार्यक्रम हमारा रक्षाबंधन के पर्व पे होगा। तो आज का कार्यक्रम थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो आप वीडियो में अंतिम तक अवश्य बने रहें क्योंकि इस रक्षाबंधन के पर्व के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस साल का जो यह 2023 है, तो इस साल जो है अधिक मास के चलते जो है रक्षाबंधन समेत जो है व्रत त्योहार जो है कुछ देर से इस वर्ष शुरू हो रहे हैं। और हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष जो है रक्षाबंधन का जो त्योहार है वह श्रावण पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। तो रक्षाबंधन का पर्व जो है भाई बहनों के आपसी प्रेम का प्रतीक है। रक्षाबंधन पे जो है बहनें अपने भाई को अपने भाइयों को जो है कलाई पे रक्षा सूत्र बांधती हैं और मुहूर्त शास्त्र के अनुसार जो है रक्षाबंधन का त्योहार हमेशा जो है भद्रा रहित काल में ही मनाना शुभ होता है। तो अगर रक्षाबंधन के दिन भद्रा होती है तो ऐसे में जो बहने हैं वह बहने अपने भाइयों की कलाई में राखी नहीं बांधनी चाहिए, उन्हें राखी नहीं बांधनी चाहिए अगर जो है उस दिन भद्रा है। तो भद्रा की समाप्ति के बाद ही राखी बांधनी चाहिए। तो इस बार जो है रक्षाबंधन की जो का जो दिन है यानी कि 30 या 31, तो इसे लेकर के कुछ मतभेद भी है। तो दरअसल इस समय जो है इस वर्ष जो है श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि पर भद्रा का साया रहने के कारण रक्षाबंधन 30 को या 31 अगस्त को मनाएं, इसमें जो है संशय बना हुआ है। तो जानते हैं रक्षाबंधन का त्योहार 30 को या 31 को कब मनाएं, तो कुछ इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो रक्षाबंधन का त्योहार जो है उसका रक्षाबंधन के त्योहार का क्या महत्व होता है, सर्वप्रथम इस पे बात करेंगे। तो रक्षाबंधन का पर्व जो है रक्षाबंधन के पर्व को भाई बहन के प्रेम और सद्भाव के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन जो है बहन जो है अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और इसके बदले जो है भाई बहन को कुछ भेंट देते हैं या उनकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा देते हैं, वचन देते हैं। तो अच्छे मुहूर्त अथवा भद्रा रहित काल में भाई की कलाई में जो है राखी बांधने से भाई का कार्य भी सिद्ध होता है और विजय की प्राप्ति होती है। तो इसलिए अच्छा जो मुहूर्त है उसमें ही रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। दूसरी बात करेंगे कि रक्षाबंधन 2023 की पूर्णिमा तिथि के बारे में। तो हिंदू पंचांग के अनुसार जो है इस वर्ष सन 2023 में तो इस वर्ष श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 30 अगस्त 2023 को सुबह 10:58 पर होगी, जबकि पूर्णिमा तिथि का समापन जो है 31 अगस्त को सुबह 7:05 पर होगा। तो 31 तारीख को 7:05 पे जो है पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी। तो अब तीसरी बात करते हैं कि रक्षाबंधन 2023 पर भद्रा का साया है कि नहीं। तो शास्त्रों के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार जो है हमेशा बिना भद्रा काल में मनाना शुभ होता है। तो अगर रक्षाबंधन के दिन भद्रा रहे तो इस दौरान राखी रक्षा सूत्र नहीं बांधनी चाहिए। लेकिन इस साल जो है रक्षाबंधन का पर जो है भद्रा का साया रहने वाला है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार 30 अगस्त को सुबह श्रावण पूर्णिमा तिथि के साथ ही यानी कि 10:58 से भद्रा भी लग जाएगी, जो कि क्या होगा रात 9:01 तक रहने वाली है। रात्रि में जो है 9:01 तक रहेगी। तो इस साल जो है भद्रा रक्षाबंधन के दिन पृथ्वी पर भद्रा का जो है पृथ्वी पर वास रहेगा, जिस कारण से जो है भद्रा में राखी बांधना शुभ नहीं रहेगा। तो इसलिए इस रक्षाबंधन में जो है भद्रा में जो है राखी बांधना शुभ नहीं माना गया है क्योंकि भद्रा का वास जो है पृथ्वी पर रहेगा। अब रक्षाबंधन पर कब से कब तक रहेगी भद्रा, इस पे भी बात करते हैं। तो रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा काल में अशुभ माना गया है।
तो इस वर्ष जो है रक्षाबंधन पर भद्रा का साया रहेगा, जिस कारण से राखी के त्योहार को लेकर थोड़ा सा मतभेद बने हुए हैं। तो हिंदू पंचांग के अनुसार जो है श्रावण पूर्णिमा की तिथि लगते ही इस साल भद्रा भी शुरू हो जाएगी, और भद्रा का समापन जो है 30 अगस्त को रात्रि को 9 बजकर के 1 मिनट पे होगा। रात्रि को 9 बज के 1 मिनट पे भद्रा समाप्त होगी। अब 30 अगस्त को जो है भद्रा पुच्छ और मुख का भी समय थोड़ा सा उस पर भी चर्चा करते हैं। तो मुहूर्त शास्त्र के अनुसार जब भी भद्रा की स्थिति हो तो ऐसे में भद्रा का मुख का त्याग करके भद्रा पुच्छ के समय को देख करके शुभ कार्य किए जा सकते हैं। तो 30 अगस्त को भद्रा पुच्छ का समय जो है शाम को 5 बजकर के 30 मिनट पर से लेकर के 6 बजकर के 31 मिनट तक रहेगा। वहीं 30 अगस्त को भद्रा मुख का समय जो है 6 बज के 31 मिनट से लेकर के और रात्रि 8 बजकर के 11 मिनट तक रहने वाला है। अब बात करते हैं कि यह भद्रा कौन है, इस पर भी थोड़ा सा चर्चा करें। तो भद्रा काल के दौरान जो है किसी भी तरह का शुभ कार्य नहीं किया जा सकता है। जब भी भद्रा होती है तो कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। और भद्रा कौन है, तो भद्रा भगवान सूर्य और माता छाया की पुत्री है, और शनिदेव जो है इनके भाई है। तो पौराणिक जो कथाएं हैं, तो पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रा का जन्म जो है दैत्यों के विनाश के लिए हुआ था। जब भद्रा का जन्म हुआ तो वह जन्म लेने के बाद जो है जन्म लेने के तुरंत बाद ही पूरे सृष्टि को अपना निवाला, या जो पूरी सृष्टि है तो पूरी सृष्टि को अपना निवाला बनाने लगी थी। तो इस तरह से जो है भद्रा के कारण जहां भी शुभ और मांगलिक कार्य यज्ञ और अनुष्ठान होते हैं वहां विघ्न आने लगता है। तो इस कारण से जब भद्रा लगती है तब किसी भी तरह का शुभ कार्य नहीं किया जाता है। और भद्रा जो है भद्रा को 11 करणों में से 7वें करण यानी बिष्ट करण में स्थान प्राप्त है। तो वैदिक पंचांग की गणना के मुताबिक जो है भद्रा का वास जो है 3 लोकों में होता है। तो यानी भद्रा का जो वास है वह 3 लोकों में होता है, स्वर्ग लोक में, पाताल में और पृथ्वी लोक में भद्रा जो है वास करती है। जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि में मौजूद होते हैं तब भद्रा का जो वास होता है वह पृथ्वी लोक पर होता है। अब पृथ्वी लोक में भद्रा का वास होने पर भद्रा का मुख जो है सामने की एकदम जो है सामने की तरफ होता है। तो ऐसे में इस दौरान किसी भी तरह का शुभ और मांगलिक जो कार्य होते हैं वह करने वर्जित होते हैं। तो भद्रा में किया गया शुभ कार्य कभी भी सफल नहीं होता है। भद्रा में जो भी शुभ कार्य किया जाता है वह कभी भी सफल नहीं हो पाता है। तो क्या होता है भद्रा काल, तो मुहूर्त चिंतामणि शास्त्र के अनुसार जब भद्रा काल प्रारंभ होता है तो इसमें शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। यहां तक कि यात्रा भी करनी शुभ नहीं मानी जाती, यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही भद्रा काल में राखी बांधना भी शुभ नहीं माना गया है। और मान्यता के अनुसार जो है चंद्रमा की राशि में जो है चंद्रमा की राशि में भद्रा का वास तय किया जाता है। तो गणना के अनुसार जो है चंद्रमा जब कर्क राशि में, सिंह राशि में, कुंभ राशि में या मीन राशि में होता है तब भद्रा का वास जो है पृथ्वी में निवास करता है, यानी कि भद्रा पृथ्वी में निवास करती है। अब पृथ्वी में निवास करके मनुष्यों को जो है भद्रा क्षति पहुंचाती है। वहीं मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि और वृश्चिक राशि में चंद्रमा रहता है तब भद्रा जो है स्वर्ग लोक में रहती है एवं देवताओं के कार्यों में जो है विघ्न डालती है। जब चंद्रमा कन्या राशि में, तुला राशि में, धनु राशि में या फिर मकर राशि में होता है तो भद्रा का वास जो है पाताल में होता है। तो भद्रा जिस लोक में रहती है वहां उसका प्रभाव ज्यादा रहता है। तो जिस लोक में भी भद्रा रहेगी उस लोक में वहां उसका प्रभाव ज्यादा होता है। तो रक्षाबंधन का जो मुहूर्त है शुभ मुहूर्त 2023 में उस पर थोड़ा सा बात करते हैं। तो वैदिक पंचांग के अनुसार जो है श्रावण माह की पूर्णिमा 30 अगस्त को सुबह 10 बजकर के 58 मिनट से शुरू हो जाएगी, लेकिन इसी के साथ जो है भद्रा भी प्रारंभ हो जाएगी, भद्रा भी लग जाएगी। तो भद्रा काल में जो है राखी बांधना अशुभ माना जाता है। तो भद्रा का समापन 30 अगस्त को रात में 9 बजकर के 1 मिनट पर होगा। तो शुभ मुहूर्त जो है, शुभ मुहूर्त शास्त्र के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार जो है श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि
और अपराहन काल यानी कि दोपहर के समय समय जो है भद्रा रहित काल में मनाना शुभ माना जाता है। भद्रा रहित काल जो है जब भद्रा नहीं रहती है और दोपहर के समय मनाना शुभ होता है। लेकिन इस वर्ष जो है 30 अगस्त को पूरे दिन जो है भद्रा रहेगी, तो भद्रा में जो है राखी बांधना अशुभ होता है। इसलिए ऐसे में 30 अगस्त 2023 को रात के 9:03 के बाद राखी बांधी जा सकती है, परंतु रात्रि का समय रहेगा। वहीं जो है 31 अगस्त को सुबह 7:07 से पहले राखी जो है बांधना या रक्षा सूत्र बांधना शुभ हो सकता है। तो रात जो है 31 तारीख को जो है 7:07 तक जो है आप रक्षा सूत्र बांध सकते हैं, या शुभ समय है, शुभ मुहूर्त इसे कह सकते हैं, शुभ मुहूर्त होगा। अब बात करते हैं रक्षाबंधन 2023 भद्रा पुच्छ और मुख का समय। तो रक्षाबंधन भद्रा पुच्छ जो है 30 अगस्त 2023 को शाम 5:30 से 6:31 तक रहेगा, और रक्षाबंधन भद्रा मुख जो है 30 अगस्त 2023 को शाम के 6:31 से लेके और रात के 8:11 तक रहने वाला है। अब कब बांधे राखी? तो 30 अगस्त की रात 9:30 से लेकर के 31 अगस्त 2023 की सुबह 7:07 तक जो है शुभ मुहूर्त है। तो 30 अगस्त को भद्रा के कारण जो है राखी बांधने का मुहूर्त दिन में नहीं होगा। इस दिन जो है रात में 9 बजे के बाद आप राखी बांधने का मुहूर्त है, तो रात्रि के 9 बजे के बाद ही शुभ मुहूर्त होगा। इसके अलावा 31 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा जो है सुबह 7:07 तक रहेगी, और सुबह 7:07 तक जो है शुभ मुहूर्त हो सकता है, शुभ मुहूर्त होगा, और इस समय कोई भद्रा भी नहीं रहेगी। तो इसलिए सुबह 7:07 तक आप जो है राखी या रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। तो ऐसे में 31 अगस्त को सुबह 7 बजे तक बहने जो हैं अपने भाई की कलाई में जो है रक्षा सूत्र बांध सकती हैं। तो आज का जो यह वीडियो था या कार्यक्रम जो था, जो रक्षाबंधन पे संशय था उसके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा करी। तो आज का अगर आपको हमारा यह कार्यक्रम अच्छा लगा, वीडियो पसंद आया, तो वीडियो अपने इष्ट मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी प्राप्त हो सके। तो आप हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आज का यह कार्यक्रम आपको हमारा कैसा लगा। पुनः अगले वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ में फिर अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक मां भगवती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय माता दी।